और इसी के साथ रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बता दें फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें 25,000 का इनामी बदमाश का नाम भीमा बताया जा रहा है, जो 6 महीने से फरार चल रहा था, कई डकैतियों की घटनाओं में वांछित था, जिसके बाद एसओजी और मलबा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें एडीजी ने पुलिस टीम को इस कामयाबी के लिए पुरस्कृत भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजी ने इसके साथ ही पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। बता दें 25,000 का इनामी भीमा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से ही इलाके में खलबली मच गई। आपको बता दें 6 महीने से फरार चल रहा था यह आरोपी, जिसके सर पर 25,000 का इनाम था, कई डकैती की घटनाओं में वांछित चल रहा था आरोपी, जिसके बाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा है। बता दें पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही पुलिस की सफलता पर एडीजी ने पुलिस की टीम को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 महीने से एक वांछित चल रहे अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें चोरी और लूटपाट की कई घटनाओं में वांछित था यह आरोपी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब के भटिंडा में मां के कोरोना संक्रमित होने से परेशान 13 साल की नाबालिग लड़की ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि लड़की की माता कुछ समय पहले ही कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद लड़की मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी थी और तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल लड़की की जो मां है कुछ समय पहले ही कोरोना संक्रमण की चपेट में आई थी, जिसके बाद लड़की मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी और उसने मजबूरन खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। बता दे ये जो पूरा मामला है ये सामने आया, जहां पर पुलिस की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि लड़की की माता कुछ समय पहले कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद लड़की मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी थी। वर्धमान पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर गणेश्वर कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि जो मृतका है उसके पिता के बयान पर 174 की कार्रवाई कर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जब घर पर कोई नहीं था। वर्धमान पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर गणेश्वर कुमार ने बताया कि लड़की की मां काफी दिन पहले कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद से लड़की मानसिक तौर पर परेशान रहने लगी। बुधवार को जब लड़की अपने घर पर अकेली थी तो उसने मानसिक तनाव में आकर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जब नाबालिग के घर पर खुदकुशी की गई तो उस समय वो घर पर अकेली थी और उसके माता पिता और भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बुधवार देर रात को ही नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया है और उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में गहराई से जांच की जा रही है।